अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है और आज हम लोग आए हैं बच्चों के साथ, और ये वो जगह है जहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ, जो दरिया का जज़ीरा है। और बड़े हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है, बड़े मतलब मुश्किल से आए हैं, क्योंकि जब हम लोग नीचे पहले बाइक को उतारा, वैसे हम लोग पैदल आते रहते हैं, मैं एक दफ़ा बाइक पर आगे तक आया था पिछली दफ़ा, तो काफ़ी मुश्किल हुई थी। अब तो तीन बच्चे भी साथ थे, तो आते आते बड़ी मुश्किल से, आगे रास्ता नहीं था तो हमने बाइक वहाँ पे पार्क कर दिया, और अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। और ये है जी, ये सामने दरिया है, और उसके बाद हम अपने साथ कुछ खाने का लाए हैं, पानी भी साथ लाए हैं, यहाँ पे बैठते हैं। वो सामने उधर दरिया है, उधर कश्तियाँ खड़ी हैं सारी। यहाँ से थोड़ा सा बीच में पानी है, अगर हम उसे क्रॉस करें, यानी कोई 4-5 फुट पानी होगा, मतलब मैं क्रॉस कर सकता हूँ, बच्चे नहीं, तो हम आगे तक जा सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं, आगे नहीं जाते, यहाँ पे बैठेंगे। चलो बच्चों, ट्रैक करो। अभी से यहाँ पे पहले कश्ती खड़ी होती थी, बल्कि दो तीन, तो वो यहाँ से उस पार ले जाते थे, लेकिन पानी चूंकि मज़ीद कम हुआ तो उसमें कश्ती नहीं चल सकती थी, इसलिए वो लोग वहाँ से ले गए। और वो सामने उधर, वहाँ पे पानी थोड़ा सा गहरा है। हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजार लिया और सन बात ले ली। अब यहाँ से सामने वो बच्चे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से बाइक उठाता हूँ, थोड़ा सा आगे फिर जाते हैं, वहाँ पे खड़ी हैं बोट्स, तो वहाँ पे देखते हैं कोई बंदा खड़ा है, तो उसे कहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ है उसकी सैर कराएं कश्ती पे, नहीं तो वहाँ पे बैठ के फोटोग्राफी करेंगे, और फिर थोड़ी सी देर और वहाँ पे रह के फिर हम लोग वापसी का सफ़र करेंगे घर की तरफ।
और बहुत मज़े की जगह है, बहुत मज़ा आया। बस ये है कि चलना पड़ता है काफ़ी, और जो बाइक का रास्ता है वो भी इंतहाई ओहो वाला रास्ता है, बहुत तेज की। अब ये भाई साहब हैं, ये देखें ये कश्ती वाले, तो इनसे मैंने पूछा तो ये अब यहाँ पे चूँकि पानी का पता नहीं है कहाँ पे पानी गहरा है कहाँ पे पानी कम है, तो ये पहले उतरते हैं जाके चेक करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर कश्ती लेके जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। अब ये चेक करके आए हैं, अब ये देखें ये बड़ी मुश्किल में है बेचारे पानी कम होने की वजह से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और ये सारी मीरब मेरे साथ आ गई है रास्ते में बाइक पर, और वो माद और मीशा खुद पैदल आ रहे हैं वहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये चलें रेत पे चलें, और ताकि इन्हें पता चले कि मोबाइल से हटकर, शॉर्ट से हटकर, कार्टूनों से हटकर, गेम से हटकर भी दुनिया है जो रियल लाइफ है। तो उसमें ये मेरे साथ मेरे पार्टनर बने एडवेंचर के चक्कर में और घूमें फिरें, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आता हूँ। और ये आपको इनकी थकी हुई शक्लें नज़र आ रही होंगी। मीरब मीरब आ जाओ, आ रही हूँ शब्बल। थके तो नहीं? नो। क्यों थकना चाहिए? बस। हाँ क्या हुआ, कैसा रहा सफर? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। अब यहाँ पे बंदा कोई नहीं है, नहीं तो हम उसे कहते हैं कि हमें वो थोड़ी सी सैर कराए। क्या हुआ मेरा, क्यों? ये और भी खड़ी है सामने, और जिसका मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था कश्ती वाले का, वो देखे सामने पानी और नहीं, मजीद ज्यादा नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं जा पा रहा। और ये जगह जो है ग्रीन ग्रीन सी है, थोड़ी दलदल सी बनी हुई है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से नहीं आए। और ये चीले बैठी, तो हम लोग वापसी की तरफ निकलने लगे हैं, और मैंने जैकेट अंदर रख दी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब बच्चों ने जुराबें भी नहीं पहनी दोबारा, वो भी अब उसमें बॉक्स में पैनियर में जगह नहीं है सामान रखने की। और मीरब क्या प्रोग्राम है, चलें? नहीं चलें? क्यों, फिर क्या करेंगे इधर, क्या करना है और खेलना है? दरिया पे।